चल भाई मिलते हैं, ठीक है, आराम से जाएगा राइट से। लगा राइट करके आपके साथ कंप्लीट कर लोगे तो बताना। हाँ ठीक है, चल पहुँच के ना फ़ोन कर दियो, ठीक है, कोई और दिक्कत परेशानी हो उसके लिए भी फ़ोन कर दियो। चल ठीक है भाई, चल भाई। वरुण निकल गया घर के लिए और मैं निकल रहा हूँ सियाचिन बेस कैंप के लिए। तो मैं भी देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं। जैसे मुझे लोकल से बताया कि 700 माइल गांव पड़ता है, तो सिविलियंस को सिर्फ वहाँ तक जाने देते हैं। सियाचिन बेस कैंप यहाँ से है लगभग 52 किलोमीटर्स और वहाँ तक बाइकर्स को जाना अलाउड नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। बाकी जो व्यू है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सासुमा गांव लास्ट गांव पड़ता है सियाचिन बेस कैंप के एंट्री से पहले, और बाइकर्स को सासुमा से ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है। सो अगर आप कार से हैं तो यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिगेड एट परतापुर। बाकी बाइकर्स को अभी अलाउड नहीं है सियाचिन बेस कैंप तक जाने के लिए। सो ये रिवर पड़ती है, ये पड़ती है श्योक रिवर, और ये जो पूरी वैली श्योक वैली कहलाती है। ये सीधा रास्ता अपना पेंगोंग के लिए जा रहा है। कौन सा है? आगे? अच्छा अच्छा बोर्ड वोर्ड लगा है? बोर्ड लगा हुआ है कुछ?
सो अभी हमें 3 डेट पॉइंट पे, ये वो स्कूटर्स हैं जो कि करीना कपूर ने चलाए थे। सो आफ्टर दैट शूटिंग ये पॉइंट एक टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। और ये स्पॉट है बिल्कुल पेंगोंग लेक के साथ में है, तो आप यहाँ से ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक का व्यू भी ले सकते हैं। So guys, right now we are at beautiful Pangong Lake. This is my beautiful machine, and this is Pangong Lake. You can see how clear is the water. तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ करूँ, और करूँ में थोड़ा सा काम है मुझे, वो काम निपटा के मैं निकलूँगा सीधा हनले के लिए, और वहीं से फ्यूल वगैरह भी स्टॉक करूँगा। तो हनले से मैं जाऊँगा सोमोरीरी लेक, और मोरीरी लेक करने के बाद मैं निकलूँगा सीधा मनाली के लिए, और मनाली से अपन जाएंगे सीधा हिमाचल उत्तराखंड की तरफ। सो आप जब भी पेंगोंग लेक आएँ तो आप स्पेंगमिंग गाँव में रुकें, क्योंकि जो यहाँ से आप अपनी बाइक से अपनी कार को सीधा पेंगोंग लेक तक ले जा सकते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और जो यहाँ पे होम स्टेज वगैरह काफ़ी सारे हैं और काफ़ी चीप रेट्स पे अवेलेबल है, तो आप यहीं पे आके स्टे करें। इससे पहले कुछ कैंप्स पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पीक सीज़न में काफ़ी रेट्स हाई होते हैं, तो यू कैन कम टू स्पेंगमिंग विलेज और यहाँ पे आप स्टे करें। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप सीधा पेंगोंग लेक तक अपनी कार लेके जाएं, बाइक लेके जाएं, कुछ भी लेके जाएं, और बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बाकी इससे पहले अपना 3 डेट पॉइंट पड़ता है, तो आप वहाँ जा, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप वहाँ जा सकते हैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए। तो वो भी बिल्कुल पास में है यहाँ पर।